कांग्रेस पार्टी की पूर्व प्रत्याशी रंजना बराती लाल पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सकरौहा ग्राम सभा के गरीब परिवार के रामदास त्रिपाठी के घर पहुंचकर उनके हालचाल जाने पता चलाए है। परिवार वास्तव में बहुत ही गरीब है। गरीबी के चलते इनके 3 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। इलाज के अभाव में रामदास जी स्वयं बीमार है। एक बेटा अभी भी टीवी है। घर पूरी तरह से गिरा हुआ है। जमीन गिरवी रखी हुई है। खाने के लिए मोहताज है। आज उनकी स्थिति देखकर मन बहुत दुखी हुआ। अपनी तरफ से 25 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो दाल, पहनने के लिए कपड़े, साबुन, तेल, मसाला, 5 किलो सब्जी उस गरीब के घर तक पहुंचाई। रंजना बराती लाल पांडे ने परिवार को आश्वस्त किया, आपकी मदद का प्रयास किया जाएगा। जिला प्रशासन से मिलकर समस्या के निदान के लिए प्रयास किया जाएगा। शासन प्रशासन ने मदद नहीं की तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी। रंजना बराती लाल पांडे ने कहा, जनपद चित्रकूट में दोनों विधानसभा में भाजपा के प्रतिनिधि, इसके बावजूद भी गरीब ब्राह्मण परिवार एक आवास के लिए भटक रहा और इलाज के अभाव में परेशान है। एक शोचनीय विषय है। प्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। जनता परेशान है। प्रतिनिधि शपथ ग्रहण में माला पहनने में व्यस्त है। प्रतिनिधिमंडल में जमुना प्रसाद शुक्ला, मोहित गौतम, हीरो उर्मलिया मौजूद रहे। नेशनल हेड कमल दास बापू की रिपोर्ट चित्रकूट से। हुए थे 2019 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं प्रत्याशी रही हूँ। आज देखिए इस परिवार से मिलके बहुत मन दुखी हुआ और मैं सब लोगों से अपील करती हूँ कि इस परिवार की ज्यादा से ज्यादा लोग मदद करें। और मैं कल ही जाके डीएम के पास इस समस्या को लेके रखूंगी। अगर प्रशासन द्वारा इनकी जल्द से जल्द इनकी समस्या का निदान किया जाए, अगर प्रशासन द्वारा इनके निदान को नहीं किया जाता है तो हम कांग्रेस पार्टी के लोग इनकी हक की लड़ाई के लिए आंदोलन करेंगे जी। और इनको न्याय दिलाएंगे, इनकी आवास की व्यवस्था करवाई जाए और इनकी खाने पीने की भी व्यवस्था करवाई जाए। ये बहुत गरीब परिवार है जी। जी आज हम लोग रंजना बरातीलाल पांडे जी के नेतृत्व में सकरौहा ग्राम में आए, रामदास त्रिपाठी जी के घर पे उनसे मुलाकात किया, उनकी हालत देखी। वास्तव पे जो अखबारों पे निकला, पत्रकार बंधुओं द्वारा जो जानकारी दी गई वो सत्य पाई गई। उनका आवास पूरी तरह से गिरा हुआ है। खाने पीने को भी कुछ नहीं है। 3 बच्चों की पहले ही मौत हो चुकी है। एक बच्चा पूरी तरह से टीबी से पीड़ित है। हम माननीय रंजना पांडे जी के साथ मिल करके इसकी लड़ाई पूरा ऊपर तक लड़ेंगे। इसकी सूचना प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी जी को भेजेंगे और यहां जिले स्तर पर अधिकारियों से मुलाकात करके इस समस्या से अवगत कराएंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो हम उनकी लड़ाई जहां तक होगी वहां तक लड़ेंगे। मैं यमुना प्रसाद शुक्ला, जिला सचिव कांग्रेस कमेटी जी। बोलिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल हमने अखबार पर ये जानकारी पढ़ी जी कि यहां पास विधायक जी आए हुए थे और विधायक जी जैसे आए, इनकी हालत देखकर जब उनसे सवाल जवाब किया गया वो अपनी बात से मुकरते हुए नजर आए। फिर तत्पश्चात हमको जानकारी मिली इस द्वारा, तो हम अपनी कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी श्री रंजना बराती लाल पांडे जी की तरफ से यहाँ आए हुए हैं। और जैसा कि एक गरीब परिवार है, इनके 3 बेटे गुजर चुके हैं और उनके पिताजी की भी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है और उनके जो एक बेटे हैं उनकी भी तबीयत काफ़ी अच्छी नहीं है। तो हम सब मिलकर, पूरे कांग्रेसी मिलकर इनकी बात ऊपर तक ले जाएंगे और अगर सरकार हमारी बात नहीं भी मानती है तो हम जिले स्तर पर आंदोलन करेंगे और ये बात जो है माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के पास तक जाएगी।